हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिखा अग्रवाल आज आपको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। लास्ट क्लास में हमने अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स में एलील अल्कोहल्स की स्टडी करी थी। उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस को हमने स्टडी किया था। आज हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को स्टडी करेंगे। अल्कोहल्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को जब हम OH ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो वह अल्कोहल बन जाते हैं। अब उनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के बेसिस पर हम अल्कोहल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी कंपाउंड में एक OH ग्रुप है तो हम उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर उसमें दो OH ग्रुप है तो हम उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से अगर उसमें तीन OH ग्रुप है तो हम उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और इससे ज़्यादा होने पर हम उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स से बता रखा है, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्स्ट इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि हमारे डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है, इसी तरह से ग्लिसरॉल और फिर हमारा टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में हम सबसे पहले डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की स्टडी करेंगे। जब किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में दो हाइड्रोजन परमाणु दो OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाती है तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इनका स्वाद मीठा होने के कारण इनका एक कॉमन नेम रखा गया है, इन्हें ग्लाइकोल कहा जाता है। ग्लाइकोल का मतलब होता है स्वीट। इनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर हम ग्लाइकोल को अल्फा बीटा या गामा ग्लाइकोल में कैटेगराइज कर सकते हैं। अल्फ़ा में जो OH ग्रुप होंगे वो 1-2 पोजीशन पर होंगे, बीटा में 1-3 पर होंगे और गामा में 1-4 पोजीशन पर अल्कोहल समूह उपस्थित होंगे। IUPAC में इनके नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर इनको हाइड्रोक्सिल समूह को न्यूमेरिकल नंबर दिया जाता है और उसके आधार पर इनको नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH। यह इस ग्रुप का सबसे फर्स्ट कंपाउंड है। इसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को हम एथिलीन की कोल्ड और डाइल्यूट क्षारीय केमेनोफोर के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराकर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। एथिलीन की हम डाइल्यूट क्षारीय केमेनोफोर के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्षारीय केमेनोफोर के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोक्सीलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं एथिलीन डाईब्रोमाइड के साथ। एथिलीन डाईब्रोमाइड को हम 1-2 डाईब्रोमो इथेन भी कहते हैं। 1-2 डाई ब्रोमो इथेन की हम अभिक्रिया कराते हैं सोडियम या सिल्वर एसीटेट के साथ। सोडियम या सिल्वर एसीटेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इसमें ग्लाइकोल डाई एसीटेट बन जाता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgBr का लॉस होता है और इसमें ग्लाइकोल डाई एसीटेट बन जाता है। इसके डाई एसीटेट का हम सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। NaOH के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें
सोडियम एसीटेट बाहर निकल जाता है और इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसीटेट इसमें लिब्रेट होते हैं और वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोल का इसमें फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं एथिलीन ऑक्साइड से। सबसे पहले हम एथिलीन ऑक्साइड बनाते हैं। एथिलीन की हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर की प्रेजेंस में। 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एथिलीन ऑक्साइड बनता है। एथिलीन ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें ग्लाइकोल बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें एथिलीन डाइएमीन से। एथिलीन डाइएमीन का CH2NH2 इसका फॉर्मूला है। उसकी हम नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं HNO2 के साथ तो इसमें ग्लाइकोल बनता है। NH2 का OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और इस ग्लाइकोल के साथ इसमें H2O और N2 गैस भी इसमें लिब्रेट होती है। नेक्स्ट हम इसमें अभिक्रिया कराते हैं ऑक्जेलिक एस्टर, ग्लाइऑक्सिल या ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड से। सोडियम और अल्कोहल के साथ इनका रिडक्शन कराने पर इनमें एस्टर, ग्लाइऑक्सिल या ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड एथिलीन ग्लाइकोल देते हैं। इसमें हमें इनका रिडक्शन करवाना होता है। देखिए ये रिएक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। डाई एथाइल ऑक्जेलेट हम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि एस्टरिक फॉर्म है। इसका हम नॉर्मल रिडक्शन करवाते हैं तो जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो इसमें कार्बोनिल समूह का रिडक्शन हो जाता है और इसमें CH2OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें एल्कोहल C2H5OL इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें बन जाते हैं। इसी तरह से ये सेम रिएक्शन हम ग्लाई ऑक्सेल के साथ भी करवा सकते हैं। ग्लाई ऑक्सेल का फॉर्मूला है हमारा CHO CHO। ग्लाई ऑक्सेल के साथ जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो उसमें भी कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है और उसमें CH2OH और CH2OH का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से हम ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड के साथ भी इसका रिडक्शन करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CHO CH2OH। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। ये जो मेथड है इससे हम ग्लाइकोल को इंडस्ट्रियल फॉर्म में गेन कर सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। तो अभी हमने एथिलीन ग्लाइकोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे।